हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुरिया। मैं SKGT में पढ़ाता हूँ। SKGT इज एन आइडल प्लेस टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। SKGT में 11th 12th कॉमर्स, FY BCOM, SY BCOM, DY BCOM, MCOM 1, MCOM 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। स्टैंडर्ड 8, चैप्टर 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रैक्टिस सेट 16.2, महाराष्ट्र बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो, रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर आपने घर में देखा ही होगा, एंड इट्स हाइट्स आर गिवन, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस। मतलब हमें टोटल सरफेस भी निकालना है और कर्व्ड सरफेस भी निकालना है। इधर क्या लिखा है, पी इज इक्वल टू पाई होता है, तो लोग जिधर भी पी लिखेंगे उधर क्या आएगा, पाई। ठीक है, याद रहेगा आपको पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर आंसर। चलिए हम लोग निकालेंगे, द कर्व्ड सरफेस आर 2πRh, फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस का, 2×10⁻⁷ × 7×7×10, तो रेडियस कितना था, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 22/7 मीन्स क्या, ये तो सबको पता ही है, फिर भी मैं जबरदस्ती लिख रहा हूँ, क्या लिखा, डिवाइड बाय 7, तो 7 7 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, 44×10, मतलब 440 आंसर है मेरा। तो कर्व सरफेस का आंसर कितना आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर 440। ये हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 2πRh, ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है, 2×10⁻⁷ × 7×7 10+7, ब्रैकेट में जो भी है हम लोग ने किया, तो 44×17 आया, तो 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें टोटल सरफेस का भी वर्क मिल गया, आंसर कितना आएगा, 748। क्वेश्चन नंबर, मतलब फर्स्ट का ही सेकंड सम करेंगे, इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो, रेडियस बेस ऑफ सिलेंडर, हाइट गिवन बिलो और कर्व सरफेस पूछा, टोटल सरफेस पूछा, ठीक है। अभी हम लोग को जो गिवन है वो देखते हैं, क्या क्या गिवन है, रेडियस दिया हुआ है 1.4, हाइट दिया है 2.1 और हमें कर्व सरफेस भी निकालना है, टोटल सरफेस भी निकालना। देखो फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूला याद करो, इसको पॉज करो और खुद ही सॉल्व करके देखो, आपको आ जाएगा, काफी सिंपल है, 2×22.7×1.4×2.1, ठीक है, पॉइंट निकाल के भी सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें देखते कैसे किया होगा। चलिए 44×7×14 बराबर वही किया जो मैं बोल रहा है, पॉइंट निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 10×10, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाइए तो कितना आएगा, 21×100 आ गया, तो आंसर से मल्टीप्लाई करेगा नीचे डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया, 81.48, अपने 100 रखा था संभाल के इसलिए फटाफट आ गया, ठीक है। चलिए सेम तरीका, टोटल सरफेस 2πRh+R, ठीक है, इसमें 1.4 2.1 + 1.4,
तो हम लोगों ने पॉइंट निकाला हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो कितना आएगा अगर 88.35 × 100, तो 3080/100 30.80 हमें टोटल सर्विस मिल गया। सिंपल है आंसर निकालना। अब भी ये बिगर पॉज करके एक बार देख लीजिए। अब ये जो थर्ड एग्जांपल है, आप खुद करके देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा ही, टेक्स्ट बुक आपके पास, तो आप उसमें से देख लीजिए या तो इधर से देख लीजिए। अभी अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, आर 2.5 है और हाइट कितना 7। तो आप पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करके देखिए, कोई नहीं आ रहा तो आ जाएगा आपको, वो काफी सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 2π r h, मतलब पाई 2 × 20.7, 2.5 × 7। देखिए आप उधर पॉइंट निकाल के टाइप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 44 × 7 है ना, 10 निकाल दो, 7 7 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 44 × 25 / 10, तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 10 10 कट हो गया, 110 110 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर है इसका। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस का फॉर्मूला लगे 2π r h + r, 22.7 2.5 × 2 प्लस कर कितना आएगा। ठीक है, तो अभी कितना आंसर बैठेगा हमारे पास, 104500 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 100 है ना। तो उसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इतना आएगा फिर से हम लोग और 100 है तो 100 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 149.29 टोटल सरफेस है। इन इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो द रेडियस और बेस ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन ही है तो खाली हम लोग को बार बार लिखना है, इसके लिए लिख रहा हूँ। आपको तो एक ही बार लिखना है, आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग गिवन है 70, हाइट भी है 1.4। चलिए सॉल्व करते हैं। द कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला 2π r h, तो 2 × 22.7 × 70 × 1.4, तो 1.4 का पॉइंट निकाल दो 10 आ जाएगा, और 7 का डिवाइड कर दो इधर 10 आ जाएगा। जो भी आपको सिंपल लगे वो फॉलो करिए। 70 है इधर 14 दिया, तो 7 × 14 भी आ जाएगा है ना। ये सब कट करके कितना बचा, 10 10 आ गया, 440 × 14 × 6160 / 10, मतलब 616 आंसर है इसका। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस ऑफ फील्ड 2π r ब्रैकेट में h + r, तो 2 × 22.7 70 1.4 + 70, इधर कितना आएगा, 44 × 10 × 714 / 10, तो इधर कितना आंसर आएगा, 440 714 × 3 1 4 6 0 / 10, 31416 आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम सम सेम क्वेश्चन है, ऊपर का हेडिंग इसके बड़ा पर भागा रहे। मेन जो क्वेश्चन चालू होगा अभी चालू होगा, चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन, लिखा है पाई आर इज इक्वल 4.2, एच इज इक्वल 14। देखिए 7 के लेवल में दोनों आता है ना, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला है 2 × π r h, 2 × 22.7 4.2 × 14। 4.2 को निकाल के 100 ये करेंगे, 10 करेंगे तो 12 आएगा, 7 6 12 या 7 2 14, जो आपको बेटर लगे जिसे डिवाइड करना कर लीजिए। तो इधर क्या किया है देखिए, 44 × 7 × 14 × 10, तो इधर 7 6 42 गया बराबर, तो 6 × 14 / 10 ये इधर, तो मल्टीप्लाई किया 264 × 14 / 10, 3696 / 10, तो 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2π r ब्रैकेट में h + r, फॉर्मूला याद रखिए 2π r ब्रैकेट में h + r, जो वैल्यू है पुट करिए
तो 46 पावर इनटू 6 डिवाइड बाय 10 इनटू 182 डिवाइड बाय 10 तो 261 180 डिवाइड बाय 100 तो कितना है 4080 48 डिवाइड बाय 100 480 डिवाइड बाय 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए फॉर्मूला बेस्ड काफी सिंपल है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर। सिलेंडर जो है ड्रम इस डायमीटर इस 50 सेंटीमीटर एंड द हाइट इस 45 सेंटीमीटर, तो इधर वैल्यू दिया है पाई का 3.14, हमें पाई की जगह पे 3.14 लेना है। कर्व सरफेस का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ अ डायमीटर हमको रेडियस निकालना है, हाफ ऑफ 50 कितना आएगा 25, ये 2 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 45 जो गिवन था वो लिखा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई का 6.28 इंटू 1125, इसको मल्टीप्लाई कितना 7065 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस अभी निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में स्क्वायर साहब, इधर भी 3.14 ही आने लेंगे पाई का वैल्यू, तो 6.28 इंटू 25 इंटू 70 तो 157 इंटू 70 10990 10990 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर है मेरा टोटल सरफेस का क्लोज सिलेंडर ड्रम का। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट इज कर्व्ड सरफेस, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है इधर, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस सिलेंडर एंड कर्व सरफेस हम लोग को दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है ना, हमें बेस भी निकालना और हाइट भी निकालना रेडियस भी निकालना। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस जो हमें मिला है वो अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्मूला हमें पता है 2πrh फॉर्मूला वही लिखा है, तो 6 सेंटीमीटर 60 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर इंटू 21, तो r हमें मिलेगा इधर, देखिए इक्वल टू ए साइड में इक्वल टू वो साइड में जाएगा फर्क मिलता है, फिलहाल जितना सीधे जितना सॉल्व कर लिए तो इक्वल टू वो साइड चलेगा जो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इधर आंसर कितना आया 5, रेडियस कितना मिला हम लोग को 5, तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में स्क्वायर r, तो जो वैल्यू है वो क्या 44 इंटू डिवाइड बाई 7 इंटू पाई इंटू 26, तो जब कितना आएगा 7 करके लगे 7 को आखिरी में रखा तो 350 डिवाइड बाई 7 78.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। काफ़ी सिंपल है ये सारे सब, सिर्फ खाली फॉर्मूला है आपको याद रखना है, बस खाली मल्टीप्लीकेशन है बाकी और कुछ नहीं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शीट मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। समझो एक शीट दिया है आपको और उसको आपको सिलेंडर कंटेनर बनाना है, विच इज अ ओपन एट वन साइड एंड होल डायमीटर, अब एक साइड से खुला है उसका डायमीटर 28 है उसका हाइट 20 है। Find the approximate area the shield is required making a lid its height is 2 cm, ठीक है। हमें डायमीटर दिया हुआ है, हाइट बोला है कंटेनर का, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेंगे, हाफ डायमीटर कितना आएगा 28, कितना आएगा 14। द एरिया ऑफ अ शील्ड कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर इज एरिया ऑफ बेस, इधर क्या आएगा 2πrh, इधर क्या आएगा 2πr, तो जो फॉर्मूला है वो लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें यही मेन फॉर्मूला है ऊपर वाला 2πrh प्लस 2πr एरिया ऑफ बेस का, तो फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट किया तो 1760 प्लस 616 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी क्या लगता है, एरिया ऑफ शीट कर्व सरफेस सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, यही फॉर्मूला लगे, तो दो लगा 792 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया आपको पूरा चीज, थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो।